प्रयागराज में परीक्षार्थियों का हल्ला बोल, परीक्षा की दो तारीखों पर विवाद, सड़क पर उतरे छात्र। सरकार के खिलाफ परीक्षार्थी, सपा ने किया समर्थन। भर्ती में गड़बड़ी की आशंका पर परीक्षार्थियों का आक्रोश। उत्तर प्रदेश एक बार फिर अशांत है, यहाँ के छात्र एक बार फिर नाराज और प्रदर्शनरत हैं, जिसने फिर से सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले रोजगार और पेपर लीक के मामले में सरकार युवाओं और विपक्षियों के निशाने पर आ चुकी है। अब एक बार फिर रोजगार और युवाओं के भविष्य के मुद्दे पर भाजपा घिरती नजर आ रही है। अब अभ्यर्थियों के हंगामे और विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर प्रयागराज से सामने आई है, जहां अभ्यर्थियों में यूपीएससी आरओएआरओ पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा दो दिन कराने को लेकर विवाद है। बीते दिन से ही प्रतियोगी छात्र प्रयागराज में एकत्रित हुए और तभी से यहां प्रदर्शन की शुरुआत हुई। हालांकि बड़े आंदोलन को देखते हुए प्रशासन में कल से ही खलबली मची हुई थी, अब प्रदर्शनकारी छात्र आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। इस बीच छात्रों के प्रदर्शन को बल मिला सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थन से। सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रतिभागी छात्रों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करते हुए रविवार को कहा कि समाजवादी अभ्यर्थियों की जायज मांग के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सपा ने कहा, एक छल पकड़ा जाता है तो भाजपाई दूसरा धोखा ले आते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस प्री और आरओएआरओ की परीक्षा अलग अलग तिथियों पर कराने के निर्णय के विरोध में अभ्यर्थियों ने 11 नवंबर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के सामने आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी थी, जिसकी तस्वीरें अब सबके सामने है। यूपीएससी ने 5 नवंबर को घोषणा की थी कि आरओएआरओ प्रारंभिक परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को 3 पालियों में आयोजित की जाएगी। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इस बीच सपा मुख्यालय से रविवार शाम जारी एक बयान के अनुसार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा भर्ती नहीं छलावा करती है और जब एक छल पकड़ा जाता है तो भाजपाई दूसरा धोखा ले आते हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा, अब यूपी पीसीएस और आरओएआरओ की परीक्षा में 2 पाली की भाजपाई साजिश को कैंडिडेट भांप गए हैं, इसीलिए उसके खिलाफ आंदोलनरत हैं और समाजवादी उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाते हैं और उनकी जायज मांग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा, दरअसल ये भाजपा की चाल है कि युवाओं को सरकारी नौकरी न मिले और वे बेरोजगार ही रहें और एक दिन सस्ते में मजदूरों की तरह काम करने के लिए मजबूर हो जाएं। इससे भाजपाई मुनाफाखोरों की तिजोरी भरती रहे और वो भाजपा को चंदा देते रहें, जिसका दुरुपयोग वो चुनाव जीतने के लिए करते रहें। अखिलेश के बयान ने इस प्रदर्शन को राजनीतिक रूप दे दिया है। आज हजारों युवा इकट्ठा हैं, वे पुलिस के डंडे खाकर भी लोक सेवा आयोग के गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांग है कि पीसीएस और आरओएआरओ परीक्षा एक ही दिन कराई जाए। इन्हें शक है कि दो दिन में दो तरह का पेपर होने से गड़बड़ी हो सकती है। अब भविष्य पर खतरा मंडराता देख छात्र प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए हैं, जिसे काबू करने के लिए पुलिस ने छात्रों पर लाठियां भी बरसाई, पर इन प्रदर्शनकारियों का हौसला डगमगा नहीं रहा और वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और सरकार का ध्यान अपनी मांगों पर केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि छात्रों का ये प्रदर्शन कब थमता है।